नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली खबर। कनाडा ने पहली बार कहा भारत खतरा पैदा करने वाला देश है, नॉर्थ कोरिया ईरान समेत 5 देशों की लिस्ट में शामिल किया, कनाडा इंडिया संबंधों में विवाद जारी। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की जासूसी एजेंसी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट CSE ने खतरा पैदा करने वाले देशों की सूची में भारत को शामिल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहली बार है जब कनाडा सरकार की इस लिस्ट में भारत का नाम आया है। दरअसल दोस्तों, CSE के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जारी की, इसमें 2025-26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम है। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट मौजूद है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्वाति मालीवाल ने सीएम हाउस के बाहर काला पानी छिड़का, बोली आतिशी को शर्म नहीं आती, ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल शनिवार को दिल्ली सीएम आवास पहुंची। मालीवाल अपने साथ बोतल में काला पानी लेकर पहुंची थी। उन्होंने घर के बाहर पानी को छिड़का और बोतल गेट के पास रख दी। मालीवाल ने कहा कि यह वही काला पानी है जो दिल्ली की जनता पी रही है, उन्हें कोई शर्म नहीं है। क्या दिल्ली में रहने वाले ये दूषित पानी पियेंगे? ये दिल्ली सरकार की नल से कोका कोला की स्कीम है। मैंने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है कि ये तो बस एक सैंपल था, अगर 15 दिन के अंदर वो पूरी दिल्ली की पानी सप्लाई ठीक नहीं करती है तो मैं एक पूरा टैंकर भर पानी लेकर आऊंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कनाडाई मंत्री के अमित शाह पर आरोप से भारत हुआ नाराज, उच्चायोग का अफसर तलब। 3 दिन पहले कनाडा ने कहा था कि अमित शाह खलिस्तानियों पर हमला करवा रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें कहा गया था कि कनाडा में खलिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शनिवार को बताया कि 1 नवंबर को कनाडाई उच्चायोग के अफसर को तलब किया गया है। इस दौरान कहा गया था कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लीक करते हैं। इससे दोनों देशों के संबंध पर गंभीर असर पड़ रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस के नाम से पप्पू यादव को धमकाने वाला दिल्ली से हुआ अरेस्ट, UAE में रह रही साली का सिम यूज कर बनाया था प्लान। जी हाँ दोस्तों, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्णिया पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने हार्ट थाने में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है और दिल्ली के महेश पांडे नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह UAE में रह रही अपनी साली का सिम इस्तेमाल कर रहा था और उसी से वह धमकी दे रहा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ईरान की इजराइल और अमेरिका को चेतावनी, कहा कोई कदम उठाया तो मिलेगा करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर खोमिनई ने इजराइल और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका उनके देश के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है तो उन्हें करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने यह बयान छात्रों को संबोधित करते हुए दिया। अली खोमिनई का यह बयान उस समय आया है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा शुक्रवार को खोमिनई के एक सलाहकार ने संकेत दिया कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज को बढ़ाने पर विचार कर सकता है और अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा भी कर सकता है। ये निर्णय ईरान और उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच किया जा सकता है, जिसमें मिसाइल और हवाई हमलों का सिलसिला भी शामिल है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों को बैन किया, आरोप ये रूस को युद्ध का सामान दे रही थी। भारत बोला हम UNSC के नियमों को मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को डिफेंस से जुड़ा सामान उपलब्ध कराए जाने के आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं। इन पर भारत ने शनिवार को सफाई दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि हमने भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों की रिपोर्ट देखी है। हम डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़े मामले में UNSC के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। रणधीर ने कहा कि 19 कंपनियों ने किसी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी संबंधित विभागों और एजेंसियों के साथ मिलकर कंपनियों को एक्सपोर्ट नियमों के बारे में जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के अलावा रूस, चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे एक दर्जन से ज्यादा देशों की 398 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। प्रशांत किशोर बोले चुनाव में सलाह देने के 100 करोड़ लेता था, 10 राज्यों में मैंने सरकार बनाई, मुझे लोग इतना कमजोर ना समझें। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत किशोर किसी भी पार्टी या नेता को केवल सलाह देने के लिए 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फीस लेते थे। ये बयान उन्होंने 31 अक्टूबर को गया की बैलागंज विधानसभा में अपने कैंडिडेट्स के प्रचार के दौरान दिया।
प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 10 राज्यों में मेरी बनाई सरकार चल रही है। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने अभियान के लिए पैसे कहां से लाता हूं। मेरी बनाई सरकारें आज देश के 10 राज्यों में शासन कर रही है, तो हमको क्या अपने अभियान के लिए टेंट और तंबू लगाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा? आप लोगों ने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है क्या? दरअसल दोस्तों आपको बता दें, 13 नवम्बर को 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने बिहार की 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। उधर शी जिनपिंग ने लद्दाख से चीनी सैनिक वापस खींचे, इधर शहबाज शरीफ की बदली चाल, करतारपुर में वीजा की फ्री एंट्री का रास्ता हुआ साफ। जी हां दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी ने आखिरकार अपना असर दिखा दिया है। पाकिस्तान को नई दिल्ली की बात माननी पड़ी। पड़ोसी देश के पंजाब प्रांत में सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा करतारपुर साहिब स्थित है। हर साल लाखों की तादाद में सिख श्रद्धालु करतारपुर साहिब जाते हैं, जिनसे $20 का वीजा शुल्क वसूला जाता है, यानी कि 1700 रुपए का। भारत इस शुल्क को माफ करने की मांग करता रहा है। अब पाकिस्तान ने वीजा की फीस को माफ करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले दिनों चीन ने पूर्वी लद्दाख में LSC पर तेमसांग डैम चौंग समेत कई पॉइंट से सेना हटा ली। साथ ही बॉर्डर पर इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। और अब पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने करतारपुर साहिब जाने वाले भारतीय सिख श्रद्धालुओं का वीजा शुल्क माफ करने का ऐलान कर दिया। इस तरह भारतीय डिप्लोमेसी की एक साथ दो दो मोर्चों पर जीत हुई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिला, सीट के पॉकेट में रखा हुआ था। 27 अक्टूबर को दुबई से दिल्ली आई थी फ्लाइट। जी हां दोस्तों, दुबई से दिल्ली आने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में कारतूस मिलने की जानकारी शनिवार को सामने आई है। घटना 27 अक्टूबर की है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि फ्लाइट AI-916 जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उसकी एक सीट की पॉकेट में कारतूस मिला, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित उतार लिया गया था। एयरलाइंस ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। कारतूस मिलने की बात ऐसे समय सामने आई है जब दोस्तों फ्लाइट्स में बम की फर्जी धमकियों का सिलसिला जारी है। 14 से 29 अक्टूबर के बीच 16 दिनों के अंदर ही 500 से ज्यादा फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली थी। जांच में यह सभी फर्जी निकली। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक बिल पेश होने के हैं आसार। जी दोस्तों, 18वीं लोकसभा का पहला शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सत्र 20 दिसंबर तक चलेगा। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने के आसार हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला मानसून सत्र 22 जुलाई से 9 अगस्त तक चला था। दूसरे सत्र में कुल 15 बैठकें हुई, जो लगभग 115 घंटे तक चली थी। सत्र के दौरान सदन की प्रोडक्टिविटी 136% रही थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी उपचुनाव, सीएम योगी और अखिलेश यादव के नारों पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच बीएसपी चीफ मायावती ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नारों पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बटेंगे तो कटेंगे दिया था, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया था। लेकिन अब मायावती ने इन्हीं दोनों की पार्टियों पर पलटवार किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, जब से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा हुई है, तब से भाजपा और सपा गठबंधन की नींद उड़ गई है। बसपा इन सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बसपा ने यहां काफी समय से अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव में जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा बटेंगे तो कटेंगे और सपा के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे जैसे नारों को प्रचारित करने में लगे हैं। वास्तव में यह होना चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अलग अलग मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द ढेर, जिस घर में फंसे थे आतंकी उसे जवानों ने लगा दी आग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में शनिवार को सुबह से ही 2 अलग अलग इलाकों में सेना और आतंकवादियों के बीच जमकर मुठभेड़ जारी है। एक तरफ अनंतनाग के कोकरनाग में सेना के जवानों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया, तो दूसरी ओर श्रीनगर के खान यार की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया, जिसमें 2 SOG कर्मी और 2 CRPF जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। खान यार में जिस मकान में आतंकवादी छुपे हुए थे, उसमें एक बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद भयानक आग लग गई। इस आग के चलते इलाका धुआं धुआं हो गया और अन्य 3 घर भी प्रभावित हो गए हैं। मुठभेड़ में गंभीर रूप से जख्मी 4 जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केंद्रीय गृह मंत्री पर आरोप का भारत सरकार ने दिया कड़ा जवाब, कनाडाई उच्चायोग का प्रतिनिधि कर दिया गया तलब। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कनाडाई मंत्री के आरोपों को बेतुका और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। शुक्रवार को कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को भी तलब किया गया है और आरोपों का विरोध करते हुए अधिकारी को एक नोट सौंपा गया है। सरकार की ओर से इस पर नाराजगी भी जताई गई है। दरअसल दोस्तों, कनाडाई मंत्री ने आरोप लगाए थे कि कनाडा में हो रहे
रहे खालिस्तानियों के ऊपर हमले में अमित शाह का हाथ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अक्टूबर के महीने में 5 लाख से ज्यादा कारें बिकी, हर रोज एवरेज 16,550 बिकी। मारुति सुजुकी ने एक महीने में 2 लाख से ज्यादा कारें बेचने का रिकॉर्ड बनाया। जी हां दोस्तों, अक्टूबर 2024 में कारों की बिक्री का रिटेन आंकड़ा 5 साल को पार कर गया। व्हीकल डेटा के मुताबिक 31 अक्टूबर तक देश में 5.13 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हुआ, यानी कि हर रोज 16,550 कारें बिकी। इससे पहले इस साल जनवरी में रिकॉर्ड 3.99 लाख कारों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। दोस्तों मौजूदा वित्त वर्ष में हर महीने एवरेज 3.33 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई, जो बीते साल से 5% ज्यादा है। बीते साल 38 लाख कारें बिकी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई टेस्ट, न्यूजीलैंड को 143 रन की बढ़त, दूसरे दिन स्टंप तक स्कोर 171 रन, 9 विकेट के नुकसान पर भारत पहली पारी में 263 पर ऑल आउट हुआ। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में 143 रन की बढ़त हासिल कर ली है। टीम ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बना लिए। एजाज पटेल नॉट आउट लौटे। शनिवार को मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया पहली पारी में 263 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम न्यूजीलैंड पर महज 28 रन की बढ़त भारत ले सका था। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 233 रन बनाए थे। वहीं दोस्तों दूसरी पारी में विल यंग ने अर्धशतक लगाया, उन्होंने 100 बॉल पर 51 रन बनाए। उनके अलावा ग्लेन फिलिप 26, डेवन कॉनवो 22, डेरेल मिचेल 21 और मैट हेनरी ने 10 रन बनाए। बाकी 4 बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सके। भारत की ओर से दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। उन्होंने इस मैच में अब तक 9 विकेट झटक लिए हैं। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट झटके, आकाशदीप और वाशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शिवसेना सांसद ने शाइना एनसी से माफी मांगी, एक दिन पहले उन्हें इंपोर्टेड माल कहा था। सीएम बोले, बाला साहेब होते तो उनका मुंह तोड़ देते। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने शिवसेना शिंदे गुट के नेता शाइना एनसी पर दिए अपने बयान पर शनिवार को माफी मांग ली है। सावंत ने कहा कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मैंने एक महिला का अपमान किया, मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं किया। जानबूझकर मेरे बयान का अलग अर्थ निकालकर निशाना बनाया जा रहा है, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी अगर मेरे बयान से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूं। देश में महिलाओं के सम्मान को पार्टी के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सावंत ने शुक्रवार को साइना एनसी को इंपोर्टेड माल कहा था। इसके अलावा साइना ने मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज करा दी थी और कार्यवाही की मांग की थी। शिवसेना शिंदे गुट की महिला विंग ने सावंत के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सलमान खान के घर पर फायरिंग का मामला, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को यूएस से लाने की तैयारी, मुंबई पुलिस ने प्रत्यार्पण प्रक्रिया शुरू की। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता सलमान खान के घर फायरिंग करवाने के मामले में आरोपी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को बाइक सवार 2 लोगों ने फायरिंग की थी, हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अनमोल साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अफसर ने बताया कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका कोर्ट ने अनमोल की गिरफ्तारी के लिए पहले ही गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने विदेश में उसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक अभी कुछ अदालती दस्तावेजों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए केंद्र सरकार को एक प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रस्ताव भेजना होगा। स्पेशल कोर्ट ने 16 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच के उनके आवेदन को मंजूरी दे दी थी। उम्मीद है कि पुलिस को जल्द ही डॉक्यूमेंट भी मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप से दुगना ज्यादा खर्च कर रही है कमला हैरिस, चुनावी खर्च $16 मिलियन तक पहुंचा, अंतिम वक्त में विज्ञापनों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं ट्रंप। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में 2024 चुनाव पर होने वाला कुल खर्च करीब $16 बिलियन यानी कि करीब 13,280 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। अमेरिकी चुनाव पर रिसर्च करने वाली एनजीओ ओपन सीक्रेट के मुताबिक यह दूसरा सबसे महंगा चुनाव हो सकता है। अमेरिका में 2020 का चुनाव सबसे महंगा था, जिसमें करीब $18 बिलियन यानी कि 15,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। 1998 के चुनाव में कुल $3.12 मिलियन खर्च हुए थे। अब 25 साल बाद यह खर्च बढ़कर करीब 6 गुना हो चुका है। ओपन सीक्रेट की रिपोर्ट के मुताबिक अभी कुल खर्च में थोड़ा अंतर आ सकता है, क्योंकि चुनाव में अभी भी कुछ दिन बाकी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इस हफ्ते 410 रुपए महंगा हुआ सोना, 78,015 रुपए का बिक रहा। चांदी 2,299 रुपए सस्ती होकर 93,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स यानी कि IBGA के डाटा के मुताबिक पिछले शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 78,015 रुपए था, जो हफ्ते भर के कारोबार के बाद 78,425 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं दोस्तों, हफ्ते भर के कारोबार के बाद चांदी 1 किलो की कीमत 2,299 रुपए सस्ती होकर 93,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक हफ्ते पहले चांदी की कीमत 95,800 रुपए प्रति किलोग्राम थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। गूगल इंडिया का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में 26% बढ़ा, यह 5,921 करोड़ रहा। नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 1,424 करोड़ हुआ। जी हाँ दोस्तों, गूगल इंडिया ने शनिवार को फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मार्च 2024 को समाप्त फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू सालाना आधार पर 26% बढ़कर 5,921.1 करोड़ रुपए रहा। पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में गूगल इंडिया का रेवेन्यू 4,700 करोड़ रुपए रहा था। दोस्तों, कंपनी के रेवेन्यू में यह बढ़ोतरी भारत में डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में मजबूत ग्रोथ, डिजिटल अपनाने में ग्रोथ और देश में टेक दिग्गज के एंटरप्राइजेस प्रोडक्ट्स की सेल में उछाल के कारण हुई है। कंपनी के रेवेन्यू के इन आंकड़ों में डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन से 1,174 करोड़ रुपए की इनकम को शामिल नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जोमेटो खिला रहा बासी खाना, गोदाम में पड़ी रेड तो सामने आई हैरान करने वाली सच्चाई। जी हां दोस्तों, हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में स्थित जोमेटो के हाइपर प्योर वेयरहाउस पर फूड सेफ्टी अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियों को उजागर किया। रिपोर्ट के अनुसार 18 किलो बटन मशरूम को 30 अक्टूबर 2024 की पैकिंग डेट के लेबल के साथ पाया गया, जबकि यह जांच 29 अक्टूबर को की गई थी। इस तरह भविष्य की तारीख डालना फूड सेफ्टी के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिससे ग्राहक सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं दोस्तों, खबरों के अनुसार फूड सेफ्टी विभाग ने यह भी देखा कि वेयरहाउस में हाउस फ्लाइज यानी कि मक्खियां मौजूद थी और कीट रोधी स्क्रीनिंग की उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। साथ ही कई खाद्य हैंडलर्स ने जरूरी सुरक्षा गियर जैसे कि हेयर कैप और एस्प्रेन नहीं पहन रखे थे। ऐसे नियमों का पालन न करना खासकर त्योहारों के दौरान गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आगे निकली अजय देवगन की सिंगम अगेन, ओपनिंग डे पर किया कमाल, भूल भुलैया 3 को दे दी मात। जी हां दोस्तों, दिवाली पर इस समय बॉलीवुड में भी बड़ा धमाका हुआ है। फैंस की फेवरेट फ्रेंचाइजी की दो बड़ी फिल्में भूल भुलैया 3 और सिंगम अगेन ने 1 नवंबर को टिकट खिड़की पर दस्तक दी। भले ही क्रिटिक्स से फिल्मों को कैसा भी रेस्पॉन्स मिला हो, लेकिन फैंस से दोनों ही फिल्मों को मिला जुला रेस्पॉन्स मिला है। दोस्तों आपको बता दें, पहले बात करते हैं भूल भुलैया 3 की। कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और तृप्ति डिमरी स्टारर इस फिल्म को अनीश बंसबी ने डायरेक्ट किया। शुरुआती आंकड़ों की माने तो फिल्म ने 35.50 करोड़ से ओपनिंग की है। इसी के साथ ये कार्तिक की करियर की हाईएस्ट ओपनिंग करने वाली फिल्म में शुमार हो गई है। एक्टर की भूल भुलैया 2 ने ओपनिंग डे पर 14.11 करोड़ की कमाई की थी। वहीं दोस्तों बात करें रोहित शेट्टी की कॉर्प यूनिवर्स फिल्म सिंगम की, तो इसमें अजय देवगन के साथ रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, जैकी श्रॉफ, अर्जुन कपूर, करीना कपूर, अक्षय कुमार समेत कई एक्टर्स शामिल है। फिल्म में सलमान खान का कैमियो भी है। फिल्म की फ्रेंचाइजी का फैंस के बीच बेहद जबरदस्त क्रेज भी रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो सिंगम अगेन ने ओपनिंग डे पर भूल भुलैया 3 को पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने पहले दिन 43.50 करोड़ की ग्रैंड ओपनिंग की। इसी के साथ अजय देवगन को भी अपने करियर की बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म मिली है, जिससे पहले आई सिंगम रिटर्न्स ने 2014 में पहले दिन 32.09 करोड़ की कमाई की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। गौतम अडानी ने कर दी बांग्लादेश की बत्ती गुल, घरों से लेकर फैक्ट्रियों तक की आ गई शामत। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से लगातार संकट से जूझ रहे बांग्लादेश में अब बिजली की कमी की समस्या भी खड़ी हो गई है। ऐसा हुआ है भारतीय अडानी पावर के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी अडानी पावर झारखंड लिमिटेड के 50% सप्लाई रोकने से। दरअसल दोस्तों, अडानी पावर ने यह कदम $84.6 करोड़ का बिल बकाया होने के चलते उठाया है। बकाया भुगतान के लिए अडानी पावर लंबे समय से बांग्लादेश से गुजारिश कर रहा था। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस को पैसे के भुगतान के लिए पत्र लिखा था। समाचार पत्र डेली स्टार में शुक्रवार को प्रकाशित एक खबर के अनुसार पावर ग्रिड बांग्लादेश PLC के आंकड़ों से पता चलता है कि अडानी समूह के बिजली संयंत्र ने गुरुवार रात को आपूर्ति कम कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश ने गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात में 1600 मेगावाट से अधिक बिजली की किल्लत की सूचना दी। इसकी वजह यह है कि करीब 1496 मेगावाट क्षमता वाला संयंत्र अब एक इकाई से 700 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन कर रहा है।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या है। जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम, अगर आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत।